नमस्कार दोस्तों, बोमिनोट एरिया 7 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले फोर्ड ईओस के बारे में। अमेरिका की ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी फोर्ड ने ईओस इलेक्ट्रिक मॉडल को ऑटो संघाई 2021 में पेश किया था। फोर्ड की यह कार अपनी 17 इंच 4K इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेकर काफ़ी चर्चा में है। बता दें कि फोर्ड ईओस कॉन्सेप्ट को पहली बार 2011 में फ्रैंकफर्ट मोटर शो में पेश किया था और अब कंपनी इसके प्रोडक्शन वर्जन के लिए तैयार है। कार को चीनी ऑटोमोबाइल फर्म चैंगगैंग के साथ मिलकर तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं फोर्ड ईओस की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन, पावर सभी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों आपके प्यार और सहकार की बहुत ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ईओस के एक्सटीरियर की। ईओस एक कूपे और एसयूवी दोनों के मेल के साथ बनाई गई है, जिसे कंपनी की फोर्ड फ्यूजन और मोरियो के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जा रहा है। इस कार का उत्पादन चीनिक में ऑटोमोबाइल कंपनी चैंगगैंग टीम द्वारा किया गया है। ईओस का फ्रंट फेस एक अन्य चीनी मॉडल इक्वेटर से मेल खाता है। यह अल्ट्रा स्कीम एलईडी हेडलैम्प के साथ एक कम सेट बोनेट को स्पॉट करता है, जो कि पतली एलईडी स्ट्रिप द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस कार को साइड से देखें तो 17 इंच के एलो व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। रियर में आपको एलईडी टेल लाइट के साथ रियर बम्पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको फ्रंट बम्पर काफी स्पॉटी लुक में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें मिलने वाले इंटीरियर की। कार के कैबिन में आपको मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स, सेंट्रल कंसोल और सीट्स अपहोल्स्ट्री मिल जाएंगे। डोर कार और डैशबोर्ड पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के रूप में नारंगी रंग की स्टिचेस का इस्तेमाल किया गया है। वही डैशबोर्ड में ड्राइवर के लिए 12.3 इंच का डिजिटल डिस्प्ले और साथ में 17 इंच का 4K टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस वाइड टचस्क्रीन को SYNC प्लस 2.0 सॉफ्टवेयर से चलाया जा सकता है। इसके अलावा फोर्ड की नई लेवल 2 ड्राइविंग असिस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग, एक्टिव पार्किंग असिस्ट, हीट रिजेक्शन ग्लासेस, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचरों से भी लेस है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्ड ईओस में मिलने वाले इंजन की। इसके अंदर आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 180 HP का पावर और 480 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि फोर्ड ने अभी तक इंडियन मार्केट में यह गाड़ी को लॉन्च करने का कोई फैसला नहीं किया है, पर शायद इसको जल्द ही 2022 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यह गाड़ी आपको 8 लाख से 10 लाख के बीच में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों क्या आप यह गाड़ी लेना पसंद करेंगे और आपके हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।